विद्यालय के छात्रों में आक्रोश है। हॉस्टल खाली करने के आदेश पर छात्र भड़क गए हैं। हॉस्टल के बाहर सड़क पर धरने पर बैठे हैं। छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी से न्याय की गुहार लगाई है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने हॉस्टल खाली कराने का फरमान सुनाया है। रोहित हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ मांग यहाँ पर छात्रों की तरफ से की गई है और क्या आपने करने की कोशिश? छात्रों का कहना है कि यदि हम इस समय ऐसे अपने गांव में लौटेंगे तो वहां पे समस्याएं खत्म, समस्याएं बढ़ सकती है। लोग गांव में घुसने नहीं देंगे, उनको अनावश्यक क्वारंटाइन सेंटर में रख दिया जाएगा। और वो चाहते हैं कि इतने दिनों से लॉकडाउन का पीरियड उन्होंने अपने हॉस्टल में चुपचाप अपने कमरे में जिस तरीके से कैद होकर काटा है, उसी तरीके से उनको हॉस्टल में रहने दिया जाए। लेकिन बीएचयू प्रशासन ने यहाँ पे थोड़ी तानाशाही दिखलाई है। कल अचानक सभी को 24 घंटे के अंदर हॉस्टल खाली करने के आदेश दे दिया गया। ऐसे में छात्रों के सामने समस्या है कि हॉस्टल कैसे खाली करें अचानक। एक तो आवागमन की सुविधा नहीं है, दूर दराज के छात्र यहाँ पे रहते हैं। दूसरे, किसी तरीके से चले भी जाते हैं तो अपने गाँव में उनको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रोहित।